ये क्या पार्टनर, रॉकेट चला रहा है या बैलगाड़ी? भैंस भी अपने आगे निकल गई। ऐसे धीरे धीरे साइकिल चलाएगा तो हम आज फिर लेट हो जाएंगे। अरे मैं क्या करूं? रॉकेट में आज हवा कम है। तो चल भरा लेते हैं। अरे हवा भराएंगे तो स्कूल लेट भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे इससे तेज तो मैं दौड़ के पहुंच जाऊंगा। आज फिर 15 मिनट लेट हो तुम लोग। सर हमारी रॉकेट की हवा निकल गई थी। अच्छा आज फिर से बहाना, अभी हम तुम्हारी हवा निकालता हूँ। चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 4। अरे ये क्या, पीटी पीरियड में भी मुर्गे? ये तो ठीक ना है। क्या बात है दुबे जी, बुध और बद्री को मुर्गा क्यों बनाया है? ओहो, ये तो मुर्गा ही बनने आते हैं स्कूल, हमेशा लेट। लेकिन दुबे जी, रोज रोज मुर्गा बढ़ाओगे तो ये हमेशा के लिए मुर्गे बन जाएंगे। तो आप ही बताइए सर, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। लेकिन हमारी समझ में आ गया है, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। तुम दोनों लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ किताबों को ठीक से लगाने में लाइब्रेरियन की मदद करो। ध्यान से, इतना होने के बाद वहाँ आ जाना, ठीक है? यस मैम। अच्छा हुआ हमें किताबें सिर्फ अरेंज करने के लिए कहा है। हाँ, पढ़ने के लिए कहते तो हमारे लिए मुर्गे से भी बड़ी सजा हो जाती। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, तो मेरा काम कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। चलो फिर से लगाओ सब किताबें और ध्यान से। अरे ये क्या है? डायरी। डायरी किसकी है? एम के राठी 1930। आप रे राठी सर इतने बूढ़े हैं? अरे ये अपने राठी सर की नहीं, राठी सर के दादाजी की डायरी है। 20 अक्टूबर आज हमें फिर पाठशाला पहुंचने के लिए देर हो गई। तुम दोनों आज फिर देर से आए। गुरुजी रास्ते में मेरी चवन्नी खो गई थी, उसे ढूंढने में देर हो गई। अच्छा और तुम राठी, तुम क्यों देर से आए हो? तुम्हारी अठन्नी गिर गई होगी? नहीं गुरुजी, मैं तो इसकी चवन्नी पे पैर रख के खड़ा था ताकि कोई और न उठा ले। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, जाओ जाकर मुर्गा बनाओ। अरे वाह, राठी सर के दादाजी भी हमारे जैसे ही थे। अरे चल छुट्टी हो गई, कैंटीन चलते हैं। तू चल मैं आता हूँ। अरे ज्यादा डायरी मत पढ़, डायरिया हो जाएगा। दादाजी मैंने आपकी डायरी पढ़ी, आप भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। अरे दादाजी ने स्माइल किया। पार्टनर ने मुझे स्माइल दी। किसने? सबीना ने? नहीं। तो क्या जीवा ने? अरे उसने भी नहीं। अरे तो क्या राठी सर ने स्माइल दी तुझे? अरे राठी सर के दादाजी ने स्माइल दी है। हाँ दादाजी, अरे तू होश में तो है? दादाजी तो कब के स्टैच्यू हो गए। अरे उसी स्टैच्यू ने तो स्माइल दी है। क्या बुध, लगता है भूख की वजह से तेरा दिमाग हिल गया है। चल बैठ खाना खा ले। बद्री मैं सच कह रहा हूँ। अरे तू फिर शुरू हो गया, अभी अभी खाना खाया है, थोड़ा सो लेने दे यार। देख अब तो मेरा पेट भी भरा है ना, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि दादाजी के स्टैचू ने स्माइल दी थी।
ओहो, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल दिखा मुझे दादाजी की स्माइल। अरे यार, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, कब स्माइल करेंगे दादाजी? तू अकेला खड़ा है क्या? दादाजी भी खड़े हैं ना। एक काम कर, तू कोई जोक सुना, फिर देख दादाजी जरूर स्माइल करेंगे, है ना दादाजी? देख देख, दादाजी ने आँख मारी। तू क्या बोल रहा है? ना उन्होंने स्माइल दी और ना ही आँख मारी। क्या दादाजी, मेरे दोस्त के सामने आपने मेरी बेइज्जती खराब कर दी, एक स्माइल दे ही देते। जो मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ उनको स्माइल करता हूँ। ये कौन बोला? मैं बोला दादाजी। अरे आप बोलने भी लगे दादाजी? हाँ, सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो। लल्लंटप। 8, 9, 10, सब लोग छुप गए ना, अब मैं आंखें खोल रहा हूँ। अरे कहाँ छुपे हैं सब? बुद्ध, मुझे पता है सब कहाँ छुपे हैं। वो देखो, उस पेड़ के पीछे बद्री और सबीना है। बरामदे में ज्ञान है और वो लड़कियाँ उस कमरे के पीछे, और वो मोटा लड़का मेरे पीछे छुपा है। थैंक यू दादाजी। जीवा। येतल। बद्री। यस सर। बुद्धदेव। बद्रीनाथ, बुद्धदेव कहाँ है? पता नहीं सर। तो जाओ पता करो, और हाँ वापस भी आना एक क्लास में, समझे? दादाजी आप तो इतने अच्छे, फिर आपने ये स्कूल क्यों बनाया? क्यों, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है क्या? इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, इसलिए दुबे सर मुझे बार बार मुर्गा बना देते हैं। ओए, तू क्लास बंक करके यहाँ स्टैचू के सामने बैठा क्या कर रहा है? दादाजी से बातें। क्या, अरे तू समझता क्यों नहीं? अगर किसी ने देख लिया तो सब तुझे पागल कहेंगे, पागल। जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि दादाजी सिर्फ मुझसे बातें करते। क्लास बंक करने का अच्छा आइडिया है, लेकिन अब चल, वरना दुबे सर तुझे फिर से मुर्गा बना देंगे। अरे वो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने आज तक मेरे से ही बात नहीं की, तुम्हारे से कैसे करने लगे? शायद दादाजी आपसे नाराज होंगे सर। अच्छा, तो उनसे वो बातें पता करके बताओ जो सिर्फ उन्हें और मुझे पता है। दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड आपस में कोई राज नहीं छुपाते। तो चलो हमारे सामने पूछ कर बताओ। दादाजी आपका वो कौन सा राज है जो आपके अलावा सिर्फ राठी सर जानते हैं? दादाजी प्लीज बता दीजिए ना, वरना राठी सर मुझे अपने स्कूल से निकाल देंगे। अरे इस मक्खन की ये हिम्मत, अगर ये प्रिंसिपल है तो इस प्रिंसिपल के दादा हैं हम। दादाजी। अच्छा ठीक है, पास आओ, बताता हूँ। वाह दादाजी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े हमको बेवकूफ मत बनाओ। हाँ बताओ क्या राज है? दादाजी के दांत 40 साल की उम्र में टूट गए थे, और उन्होंने नकली दांत लगाए थे। ये सच है, दादाजी का यही राज था जो सिर्फ मैं और वो जानते थे। सर ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है, क्या है डायरी? एक मिनट, ये डायरी कैसी है? अरे ये तो दादाजी की डायरी है।
देखा सर, यही पढ़ पढ़ के हमको उल्लू बना रहे थे, अब हम इनको मुर्गा बनाएंगे। नहीं दुबे जी, इनकी वजह से हमें हमारे दादाजी की पुरानी डायरी मिल गई, इसे छोड़ दीजिए। हाँ?